सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम सारी शॉपिंग कर चुके हैं। मैंने भी अपनी बैली वगैरह खरीद ली, मम्मी ने भी अपनी स्लीपर खरीद ली। अब बच्चे हैं पापा के शूज़, पापा 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं, पिछले पता नहीं कितनी दुकानें देखी है, इनको समझ में नहीं आएगी। देखो बैठे अभी भी देख रहे हैं, मिल जाते तो फिर दिखाती हूँ आपको कौन से मिले पापा को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सारे? आई रियली होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे साथ है मम्मी और पापा और सारे अभी गोला। तो आप लोग के चलिए हमारे साथ में और हमें कुछ सामान खरीदना है, तो वो आप लोग के साथ में खरीदूँगी और आप लोग को भी दिखाती जाऊँगी, ठीक है? तो आप लोग ब्लॉग के साथ में बने रहिए क्योंकि ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। साड़ी लेके आ चुकी हैं और अब मैं आई हूँ अंकल जी की दुकान में। वो देखो उधर बैठे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लेना है सूट, मैं सूट सेलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और तब तक मैं अंकल जी की पूरी दुकान का आपको व्यू दिखाती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो ये वाला सूट जो है ये हमने सेलेक्ट किया, आप बताओ कैसा है। और ये है इसको चुन्नी, देखो बताओ कैसा लग रहा है। इन सब में से आप सबको कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला हमने सेलेक्ट किया है। ये दुपट्टे वाली दुकान और हमें यहाँ पे लेना दुपट्टा, मतलब दुपट्टा ही नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें यहाँ पे दुपट्टा लेना है। तो हमें ग्रीन कलर का दुपट्टा वैसे तो लेना है, अब मैं देखती हूँ कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है, मैं वो वाला लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला दुपट्टा कैसा लग रहा है बताना मुझे। मेरे पास में ग्रीन दुपट्टा नहीं था ना, तो मुझे ये वाला लेना है। निकाल दो उसको। फ्रेंड्स, ये देखो कौन सी बैली इसमें से अच्छी लग रही है, मैंने ये वाली बैली सेलेक्ट करी है। आप लोगों को कैसी लग रही है बताना कमेंट में। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम सारी शॉपिंग कर चुके हैं, मैंने भी अपनी बैली वगैरह खरीद ली, मम्मी ने भी अपनी स्लीपर खरीद ली। अब बच्चे हैं पापा के शूज, पापा 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं, पिछले पता नहीं कितनी दुकानें देखी है, इनको समझ में नहीं आएगी। देखो बैठे अभी भी देख रहे हैं, मिल जाते तो फिर दिखाती हूँ आपको कौन से मिले पापा को। अभी हम लोग सारी शॉपिंग करके आ चुके हैं और अभी हम रुके हैं टिक्की वाली दुकान पे। तो यहाँ मुझे टिक्की खानी है क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो हंस रही है ये ना, मेरी बहुत मजाक बनाती बोलती है, जहाँ पर टिक्की समोसा देखती है ना, इसकी लार टपकने लगती है, पहली बार जाती है खाने के लिए। और सही बात है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब वो पापा देखो उधर लेने गए, वो लेके आ जाते हैं फिर हम खाते हैं। वो देखो तो फ्रेंड्स, ये आ चुकी है हमारी मस्त टिक्की, अब हम लोग खाते हैं, उसके बाद में हम लोग घर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मस्त टिक्की खा के आ चुके हैं और पापा ढसलने के लिए थोड़ी सी चीज़ ले रहे हैं, बिकॉज हम लोग जब जाते हैं ना बाहर से कहीं, तो वो बहुत तेज से दौड़ के पास में आ जाता है चीज़ मांगने के लिए, तो इसलिए पापा ले रहे हैं। पापा उसके लिए चीज़ ले लेते हैं, फिर चलो हम सीधा घर ही चलते हैं।
ढसल ले और मिट्टू की हालत खराब हो गई। ये लोग बहुत परेशान जाते जब हम लोग घर पे नहीं होते। भैया चूंकि वो भी घर पे, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। आप सबको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। और आप लोग एक काम करना भूल जाते हो, पता नहीं क्या, लाइक करना, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा कम आते, तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना।